नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देश का सबसे दमदार डिबेट शो देश को जवाब दो लेकर हाजिर हूं मैं। आतंकवाद ऐसा नासूर है जो दुनिया को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। दुनिया के सुपर पावर से लेकर के हिंदुस्तान तक सब इस नासूर से अछूते अब नहीं रह गए। कई हथियारों से लैस आतंकी बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, कई वैचारिक आतंकवाद नई पीढ़ी का ब्रेन वॉश कर रही है और इसी बैकग्राउंड पे अब नाम आता है दिल्ली के जेएनयू का। देश विरोधी नारों को लंबे वक्त तक विवादों में रहा जेएनयू एक बार फिर से नए फसाद का अड्डा बनता जा रहा है और इस बार जेएनयू ने आतंकवाद के खिलाफ लाए गए एक नए कोर्स का विरोध शुरू हो गया है। कहना गलत नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग एक बार फिर से अब एक्टिव हो चुका है। दरअसल यहाँ कुछ वामपंथी छात्र संगठन काउंटर टेररिज्म विषय में इस्लामिक जिहाद शब्द जोड़े जाने से अब भड़क रहे हैं और ऐसे में देश को जवाब दो में आज हम सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल कि जेएनयू में पाठ्यक्रम विरोध के नाम पर आतंकवादियों से हमदर्दी आखिर क्यों दिखाई जा रही है। अगला सवाल, आतंक विरोधी पाठ का विरोध आतंकवाद का समर्थन आखिर क्यों ना माना जाए। काउंटर टेररिज्म के विरोधी क्या तालिबानी सोच के समर्थक हैं? कम से कम विरोध जो शुरू हुआ है उसे देखकर यही लगता है। आखिरी सवाल, इस्लामिक जिहाद पर भड़कने वाले वामपंथी तालिबानी क्रूरता पर आखिर चुप क्यों बैठते हैं? उसके ऊपर एक शब्द क्यों नहीं निकल पाता है? इसी मसले के ऊपर देश को जवाब देना होगा आज। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। जेएनयू प्रशासन को नया कोर्स बढ़ाने के बजाय जो पहले से कोर्स हैं उनको पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा एक कोर्स डिजाइन किया है तो मुझे लगता है कि इसकी आलोचना या इसका क्रिटिसिज्म करने के बजाय इसको समझने की आवश्यकता है। तालिबान को टुकड़े गैंग का प्रणाम। इस्लामिक जिहाद जेएनयू में जिंदाबाद। आतंकवाद की जड़ें दुनिया के कई मुल्कों को जकड़कर उनकी बुनियाद खोखली कर रही है। कहीं हथियारबंद आतंकवाद है तो कहीं वैचारिक आतंकवाद। कहीं इससे आगे बढ़े तो इस्लामिक आतंकवाद और ज्यादा खतरनाक होकर उभरा है। वक्त वक्त पर NIA और दूसरी एजेंसियों ने इस्लामिक आतंकवाद की जिहादी प्लान को बेनकाब किया है। लिहाजा देश को आतंकी खतरों से महफूज रखने और उससे निपटने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर बात होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही कोशिश जेएनयू प्रशासन ने की है जिसने काउंटर टेररिज्म पर एक विषय को कोर्स में शामिल करने का फैसला किया है। लेकिन वामपंथी छात्र संगठनों को ये पहल चुभ गई और शुरू हो गया जेएनयू में हंगामा। जेएनयू प्रशासन को दो टुक कहना चाहता हूँ कि जेएनयू प्रशासन को नया कोर्स बढ़ाने के बजाय जो पहले से कोर्स हैं उनको पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आखिर ये कौन सी दलील है कि पुराने कोर्स पर फोकस करने के लिए नए कोर्स इंट्रोड्यूस ना किए जाएं? दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद ने कोहराम मचा रखा है। इससे पहले कि दहशतगर्द शरिया के नाम पर अपनी जड़ें जमा ले, उनके खतरनाक इरादों को नेस्त नाबूद किया जाना जरूरी है। इस्लामिक आतंकवाद को मेरे मुस्लिम भाई बहन अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर क्यों देखते हैं? आज तालिबान अफगानिस्तान में जो कुछ भी कर रहा है हमारी आंखों के सामने है। इस कोर्स के सकारात्मक पहलू को देखिए कि किस प्रकार से इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी सकारात्मक नवाचारी योगदान काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दे सके। जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कोर्स में काउंटर टेररिज्म का विषय शामिल किया। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने इसे पास किया, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी सिलेबस को हरी झंडी दी। ये विषय ऑप्शनल है, सभी के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी जेएनयू के कुछ छात्र संगठन और नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कथित तौर पर इस्लामिक जिहादी आतंकवाद शब्द शामिल करने का विरोध हो रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद ज्यादातर छात्र काउंटर टेररिज्म सिलेबस के समर्थन में उतर आए हैं। जब तक किसी भी चीज को एकेडमिकली स्टडी नहीं किया जाएगा तब तक हम उसके न्यूएंसेस को नहीं समझ पाएंगे और तब तक हम उस चुनौती का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रख के अगर जेएनयू ने ऐसा एक कोर्स डिजाइन किया है तो मुझे लगता है कि इसकी आलोचना या इसका क्रिटिसिज्म करने के बजाय इसको समझने की आवश्यकता है।
हाल के सालों में जेएनयू में कई बार देश विरोधी ऐसी गतिविधियां हुई हैं, जिनको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग यहां कई बार बेनकाब हो चुका है। अब काउंटर टेररिज्म पर कुछ छात्रों का विरोध उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। जाहिर है, विचार की आजादी के नाम पर जेएनयू के गौरवशाली इतिहास पर किसी को पट्टा लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अच्छा, इस्लामिक आतंकवाद में संलिप्त हर शख्स ये कह रहा है कि हम इस्लाम के नाम पर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भारत में और खासकर जेएनयू में जब उसी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर इसको मानने से ही इनकार कर दिया जा रहा है। मतलब करने वाला तो कह रहा है हम इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें संलिप्त नहीं है वो मानने को तैयार नहीं है। क्यों? मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे साथ, परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता गुरुप्रकाश जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इसके अलावा जेएनयू एसयू के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सतीश छात्र नेता जेएनयू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि शर्मा जुड़ चुके हैं, और सनी दीमान छात्र नेता जेएनयू एसयू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सनी दीमान, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। कुरान की जितनी भी व्याख्या गलत तरीके से की जा सकती है, विकृत तरीके से की जा सकती है, वो की गई है, और उसी के नाम पर पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है, वो विकृत व्याख्या के नाम पर ही। क्या इनकार किया जा सकता है कि 9/11 किसने किया, 26/11 किसने किया, 7/7 किसने किया? इनकार आप कर पाएंगे? इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप?